मेरे ख्याल में आपको क्या मेरी जो मदर है मेरी माँ है जी। उसको भी काफी टाइम बाद पता चला गया अच्छा ये बंदे गाने भी उसको भी नहीं बताता हम गाने कर रहे हैं आपके पीछे कौन है जो मेरे... आज विकी काजला इतने बड़े फिलहाल तो मेरे पीछे एक रखा हुआ है ये है भाई और करियर की अगर बात करी जाए तो भाई घर में रहते हैं या शूटिंग में बिजी रहते हैं लेकिन हम कई बार शादी पार्टियों में कहीं भी जाते हैं तो वहां आप मौजूद होते हैं आप पूछेंगे आप कैसे आ, क्योंकि, उसका भी भी क्योंकि भी सिंगिंग जब... का आपको शौक लगा के भी सिंगिंग नहीं सिंगिंग का शौक इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने गाना शुरू कर दिया ना तो फिर लोग सुनना बंद कर देंगे तो फिर मगर बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनकी पहचान उनकी वजह से बनी है बिल्कुल लगे अगर मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो मुझे एक पहचान दिलाने वाले जो देसी देसी गाना मुझे देने वाले नमस्कार मैं सुनील अंजाना कॉफ़ी विद जाना में आपका स्वागत करता हूं आज हमारे नए खास मेहमान हैं जो कि हरियाणा वुड के एक टॉप एक्टर है विक्की काजला जी आज हमारे साथ में हैं विक्की काजला जी आपका कॉफ़ी विद जाना में हार्दिक स्वागत है और बड़ा अच्छा लगा आप हमारे शो पर आए आ, हम इसे गर्व महसूस करते हैं कि हमारे स्टूडियो में पहली बार एक टॉप एक्टर हमारे साथ में हैं और हम चर्चा शुरू करेंगे चर्चा शुरू करने से पहले कुछ क्लिपें जो हैं वो हम विक्की काजला जी की आपको दिखाना चाहते हैं देखा आपने आप भली भांति इन्हें जानते हैं इन्हें परिचित हैं इनसे और विक्की काजला जी आज जीवन सफर के बारे में बात करेंगे अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं कहाँ से वो पॉपुलर हुए हैं ये सब चर्चा आज हम करने वाले हैं तो सुनिए विक्की काजला जी को सर सबसे पहले तो मैं कॉफी विद अनजाना की पूरे दर्शकों को पूरी टीम को और यहाँ भी जितने जैसे टीम आपकी सभी को मेरी प्यार भरी राम राम और आप ऐसे ही शो करते रहे और हमें बुलाते रहे तो सौभाग्य तो ये हमारा है कि भाई हमें ऐसा मौका मिला कि हम इस मंच तक पहुंचे जी थैंक यू सर तो विक्की काजला जी आपसे सभी परिचित है आपका तो इंट्रोडक्शन कराना भी एक हम समझते हैं कि एक अलग ही हो जाएगा लेकिन आपने जब ये इस लाइन में आप आए हैं तो उससे पहले कुछ और प्लान था कि डॉक्टर इंजीनियर या कोई आईपीएस आईएएस बनने का देखो इस लाइन में आने से पहले मेरी लाइफ थोड़ी अलग थी पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान रहता था और हो सकता है कि अगर मैं इस लाइन में ना आता तो शायद कहीं पे टीचर होता या लेक्चरर होता मतलब कि एक टीचिंग लाइन में हो सकता था मेरा करियर होता जी जी लेकिन भगवान को ये मंजूर था कि भाई मुझे एक्टिंग करनी है मॉडलिंग करनी है तो फिर मैं यहाँ आ गया जी तो पहले आपने मॉडलिंग शुरू की फिर मॉडलिंग के बाद आप हरियाणा वुड में आपकी एंट्री हो गई और आपने सॉन्ग के जरिए शायद हाँ, आपने एंट्री की है हां जी तो जितने भी आपके सॉन्ग अभी तक कितने आपने सॉन्ग किए होंगे अभी तक ऐसे गिने नहीं है लेकिन लगभग काफी तादाद हो चुकी है 40 50 के करीब हो चुके होंगे जी जी तो आपका जो आपके जीवन में जो पहला सॉन्ग कोई हाँ। टॉप में गया हो और आप देख रहे हो कि यार ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है तो कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो देखो अंजन जी हुआ क्या था कि जब मैं इस लाइन में आया था मुझे खुद नहीं पता था कि भाई ऐसा भी कुछ दिन आएगा कि भाई विक्की काजला को भी लोग जानेंगे जी. तो ये था कि किस्मत लगा लो या मेरे जितने भी हमारे हरियाणा इंडस्ट्री के जितने भी टॉप स्टार हैं उनका साथ लगा लो या मेरे जो बड़े भाई उनकी मेहनत लगा लो कि मेरा जो पहला ही गाना था वही हिट कर गया था देसी रैन दे और फिर बैरन आया जी फिर उसके बाद फिर लाइन लगी फिर बदली बदली इंग्लिश मीडियम देसी देसी आर एक्स हंड्रेड जी पता नहीं कितने ही गाने हो गए मेरे ख्याल में काफी गाने हो गए जिनका एक अच्छा वो रहा आउटपुट अच्छा रहा आउटपुट अच्छा रहा लोगों लोगो को काफी पसंद आए हैं हाँ, तो बड़े जो एक्टर हीरोइन हैं जो तो वो भी आपने अपने सॉन्ग में लिए हैं तो सपना चौधरी देखो यहाँ पे मैं ठीक करना चाहूँगा कि मैंने नहीं लिए हैं वो चॉइस होती थी प्रोड्यूसर की डायरेक्टर की कि भाई किस गाने में किस किस आर्टिस्ट को लेना है जी जी वो सेलेक्ट वो करते। हाँ वो, वो करते हैं तो आप आप उसमें बकायदा हीरो का हाँ, जो है रोल हाँ, मेरा जो जितना पार्ट होता भाई मुझे मॉडलिंग करनी है या फिर एक्टिंग करनी है या कोई भी जो मुझे रोल दिया जाता है कि भैया आपको ये वाला किरदार प्ले करना है वो मैं करता हूँ बस जी तो कभी सिंगिंग का भी आपको शौक लगा कभी सिंगिंग जब... नहीं सिंगिंग का शौक इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने गाना शुरू कर दिया ना तो फिर लोग सुनना बंद कर देंगे तो फिर मगर छोड़ो सिर्फ एक्टिंग में हाँ ये चांस भी अच्छे सिंगरों को मिलना चाहिए हाँ अच्छे सिंगरों को मिलना चाहिए और काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर हैं हमारी जो हरियाणा की धरती है इसमें बहुत टैलेंट छिपा हुआ है कईयों को बस मौका नहीं मिलता एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो क्या पता वो भी चल पड़े वैसे आप अपने घर में रहते हैं या शूटिंग में बिजी रहते हैं लेकिन हम कई बार शादी पार्टियों में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ आप मौजूद होते हैं आप पूछेंगे आप कैसे क्योंकि वहां पर जब भी जहां भी डीजे लगा होता है वहां पर विक्की काजला मौजूद होता है कि विक्की काजला सब सॉन्ग में यही होता है विक्की काजला बात यही हुई थी कि मेरे ख्याल में आपको क्या मेरी जो मदर है मेरी माँ है जी। उसको भी काफी टाइम बाद पता चला कि अच्छा ये बंदे गाने भी छुपे भी नहीं बताता हम गाने कर रहे हैं चुपचाप कर रहे थे बस छुपे बाहर से किसी रिलेटिव ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे जी बच्चे काम कर रहे हैं फिर उन्होंने पूछा अरे ऐसा भी है मैं कहा ऐसा भी भी नहीं काफी अच्छे मैंने मैंने आपके सु... उस टाइम अच्छा, में, हाँ। में सॉन्ग प्रोजेक्ट आपने बनाए तीन चार फिल्म ने तो मैं दे आपकी देख चुका हूँ उसमें स्वर्ग नरक आपने एक पिक्चर बनाई है जी बिल्कुल मैंने उसमें देखा एक डॉक्टर बच्चों को मार देता है हाँ। कुछ ऐसे करके भी था और भूत आत्माओं का हाँ। कुछ दिखाया इसका उद्देश्य क्या है देखो स्वर्ग नर के पीछे यही उद्देश्य है कि कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं है हमारे बीच में जो हम देखते हुए भी उसको मतलब उससे अनजान है हम खुद नहीं समझ पाते हम क्या पाप कर रहे हैं क्या पुण्य कर रहे हैं तो हर प्रोफेशन में आप चाहे एक्टिंग लगा लो चाहे आप डॉक्टर लगा लो या इंजीनियर लगा कुछ भी जी। किसी भी टीचिंग में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं हमारे समाज में जिनको हम रोज झेल रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक हंसी मजाक के जरिए हम छोटे छोटे सोशल मैसेज दें लोगों को जी जी भाई तो आप हंसी मजाक के जरिए कुछ सीखें भी जी एक बहुत पहले सीरियल आता था शक्तिमान का वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हाँ बस बढ़ा के पारिवारिक वेब है और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक नॉलेजेबल एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि हाँ भाई वो कुछ ना कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ सीख भी सकते जी बिल्कुल अच्छा इतना अच्छा सोशल मैसेज आपने दिया तो अब इसके की पीछे की जो मेहनत है हाँ जैसे राइटर हो गए या प्रोड्यूसर हो गए या डायरेक्टर हो गए या कैमरा मैन हो गए या फिर उसमें जो आर्टिस्ट रोल करने वाले होते हैं प्ले करने वाले उनके पीछे की मेहनत के बारे में क्या कहेंगे देखो सबसे पहले तो ये होता है कि कोई भी वेब सीरीज है या कॉन्सेप्ट है या गाना है कुछ भी है सबसे पहले मेहनत लगती है एक राइटर की बिल्कुल हाँ जो हमारे राइटर होते हैं वो उसको लिखते हैं उस कहानी को लिखते हैं सोचते हैं उसके बाद फिर डायरेक्टर होते हैं जो पूरी यह सोच लो एक क्या बोलते हैं कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं उनको uh, मतलब कि ये सोच लो हमारी आम भाषा में ये सोच लो कि आ, ड्राइवर गाड़ी का ड्राइवर अब गाड़ी का ड्राइवर जैसे गाड़ी ले जाना चाह रहा है भगा के धीरे धीरे अच्छे से वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जी और फिर इसमें एक अहम रोल होता है एक डीओपी का एक कैमरामैन का तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं सोनी ब्रोज हैं सोनी ब्रोज स्टूडियो से बिजेंद्र सोनी जी जी तो भाई कमाल का उनका विजन है और ख़ास बात ये है कि इतनी ये सोच लो कि बड़ी विचारधारा के साथ जो उनकी खास बात बता गया वो कि वो भी हरियाणा से है और वो मुझे मिले एक काफ़ी टाइम के बाद मुझे मिले मगर सर ऐसे ऐसे एक कॉन्सेप्ट वो करना है फिर उनसे बातचीत होती रही काफ़ी टाइम निकल गया हमारा लेकिन लास्ट में उन्होंने सोच लिया कि हाँ चलो करना ही है फिर जब कैमरा की बात आई तो पिक्चर फ्लाई से है रवि टीम पिक्चर फ्लाई है तो वो भी काफी अच्छा लड़का है और अच्छा कैमरा चलाता है और कमाल का विजन है उसका भी जी लेकिन फिर जब ये हो ना कि भाई मैं मिल गया विजेंद्र जी मिल गए रवि मिल गया हमें एक राइटर मिल गए और फिर पूरी पूरी जो आर्टिस्ट वाली टीम है hmm. हमारे अः ये सोच लो कि सभी एक ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ कि भाई एक बढ़िया वेब सीरीज आप लोगों के बीच में भी है उसको आप देखो विक्की काजला फिल्म्स चैनल पे आई है कि अगर पांच लाख आप सब्सक्राइब करो और जैसे ही एक लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे लकी ड्रॉ निकालेंगे उसमें जो तो भी विनर होगा उसको हम देंगे आईफोन 11 दो लाख होने पर हम देंगे आईफोन ट्वेल्व और तीन लाख होने पे हम देंगे आई फोन थर्टीन ऐसे ही चार लाख होने पे आई फोन फोर्टीन और पांच लाख होने पे भाई भाई तो, तो ये आप... दिए जाएंगे भाई। और ये भी हो सकता है इसमें कि आई फोन इलेवन जीता है तो आई फोन फिफ्टीन भी जीत सकता है थर्टीन है मतलब तो एक भी हो सकता है जी तो इसमें करना क्या होगा इसमें सब्सक्राइब तो कर लिया बस सब्सक्राइब करना है आपको तो पता कैसे लगेगा सब्सक्राइब किसने किया लिस्ट आती है

अभी चलिए विक्की काजला जी आपको जो है एक ऑफर दे रहे हैं एक सुनहरा ऑफर है आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी इनके चैनल पर करते रहिए नाम एक बार दोबारा बता दीजिए विक्की काजला फिल्म्स विक्की काजला फिल्म्स के नाम से चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और उस पर हर ये वीडियो अपने एपिसोड के जरिए डाल एपिसोड हाँ। एपिसोड पना के डालते हैं एपिसोड वाइज हम डाल जितने भी, एक, एक अच्छा अच्छा भी कंटेंट हरियाणा और राजस्थान भी कवर किया है तो हरियाणा और राजस्थानी बोली के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आप उसको भी डाउनलोड करके और एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है उनका मेरे तीन सौ चार सौ रुपए का वो आप लेके बहुत में वीडियो देखने को मिलती हाँ, है उसमें हाँ बाकी आप विक्की काजला जी का जो चैनल है उस पर भी आप देख सकते हैं और आपके आपके सामने ऑफर है ऑफर को ध्यान में रखते हुए अपने कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और की चैनल का लिंक हम ये जो वीडियो डल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे हम अब इसके बाद आपकी कोई वेब सीरीज या कोई पिक्चर कोई आप बना रहे हो जिसमें कोई आप मैसेज देना चाह रहे हाँ इसके बाद अभी हाल ही में दो फिल्में रेडी हैं एक रोहतक कब्जा है वो थोड़ा बदमाशी टच है क्योंकि जैसे आज, आज कल बिल्कुल है। है। और दूसरी एक शिवा की रामभूमि वो एक फैमिली ड्रामा है एक एक सिचुएशन आ जाती है एक परिवार के ऊपर तो कैसे उससे उभरता है वो परिवार और एक छोटा सा सोशल मैसेज भी है जो चलती रहती है तो वो फिल्में रेडी हो चुकी हैं बहुत ही जल्द आपके लोगों के बीच में आएगी तो जैसे वो आए उनको भी अपना प्यार दें अच्छा विक्की जी हरियाणा ने काफी तरक्की की है इस मामले में कि बड़ी बड़ी पिक्चर है या फिर बड़े एक्टर भी जो है वो बॉलीवुड को दिए हैं कितने बड़े बड़े एक्टर हैं रणदीप हुड्डा है और भी बहुत सारे हैं और अब आप लोग भी बड़े एक्टर हैं क्योंकि आप लोग को आप लोगों को बॉलीवुड भी देख रहा है आप बो, पहले बॉलीवुड को ही देखते थे आज लोग हरियाणा को देखते हैं आप विदेश में भी चले जाइए आप बॉम्बे में चले जाइए सब आपके सॉन्ग चलते मिलेंगे वहां पर भी विक्की काजला अच्छा छाए हुए हैं तो अच्छा आपको कैसा लगता होगा आप किसी रोड से निकल रहे हैं बाय रोड जा रहे हैं और किसी फंक्शन से आवाज आ रही है विक्की काजला जलाजे तो तो जब मुझे अच्छा लगेगा। मैं कहीं से भी जा रहा तो ना मतलब मुंबई वगैरह जहाँ पे भी, भी, भी फंक्शन होते हैं ना वहाँ पे बस हरियाणा गाना कोई सुनने को मिल जाए तो वही पे ये लगता है यार हमारी इंडस्ट्री है ना हमारी बोली है ना यहाँ पे छाई हुई है जरूरी नहीं भाई वो विकी काजलाई बजे कोई भी अच्छा आपको कौन सा अच्छा सिंगर सिंगर कौन पसंद, पसंद है सबसे ज्यादा हरियाणा के आजकल बहुत सारे सिंगर हैं सबसे ज्यादा पसंद कौन है देखो हरियाणा के सिंगर्स की में बात करूं देखो सब भी बढ़िया काम कर रहे हैं और सभी की आवाज में एक खनक है जो मुझे पसंद है एक राजू पंजाबी सर थे और जी अब हाँ, वो एक ऐसा नहीं है तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो जल्दी वो हमारा साथ छोड़ गए लेकिन जहां भी है वो हमेशा खुश रहे हैं और बस लेकिन एक अच्छी, अच्छी पहचान बनाने हाँ। वाले इंसान है अच्छी पहचान बनाने, बनाने वाले और बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनकी पहचान उनकी वजह से बनी है बिल्कुल लगे अगर मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मुझे एक पहचान दिलाने वाले जो देसी देसी गाना मुझे देने वाले तो उसमें आवाज राजू सर की है तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको अपनी आवाज दी उनको पहचान दी है तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था वो इंडस्ट्री बॉलीवुड yeah. में कभी मौका मिला अभी तक कोई ऑफर या आपने कोई, कोई कोशिश किया हो कि बॉलीवुड में देखो जाकर मैंने हम काम आ, कभी भी काम कोशिश नहीं की है कि मैं बॉलीवुड की तरफ जाऊं या हाँ कभी वहां से कोई ऑफर आया फिर हम देखेंगे कि भाई क्या करना है लेकिन अगर आ, मान लो कि एक ही टाइम पे मेरे पास बॉलीवुड का भी ऑफर है और हरियाणा का भी ऑफर है तो मैं पहले हरियाणा वाला चूज करूंगा हरियाणा का हाँ, करेंगे क्योंकि यही वो क्षेत्र है यही वो माटी है जिसने हमें पहचान दी है और भाई अपनी जड़े नहीं भूलनी चाहिए इंसान को तो भाई हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी हरियाणा हरियाणा इंडस्ट्री जो है वो है तो आज हरियाणा छाया हुआ है हाँ पूरे देश विदेश में और ये अच्छी बात है अच्छा घरवालों का अब क्या कैसा रुझान है कैसे हमारी अच्छा, वो, वो, सोसाइटी के अंदर यही होता है ये बंदा अगर सरकारी नौकरी पे है तो कामयाब है और प्राइवेट पे है तो नहीं भाई उसके तो स्ट्रगल है तो काफी चीजें है चलती रहती हैं लेकिन हर इंसान वीके जी अपना शौक लेके पैदा हुआ है उसको वही करना है जो उसने करना है अभी अब आप आपका देखे आप देख रहे हाँ। सोच रहे थे कि आप लेक्चरर बने हाँ। टीचर बने लेकिन कहाँ से कहा हाँ। आपकी लाइन वो एक अंदर ही होता है वो अंदर क्या था वो ये सोच लो कि ये सोच लो हमें खुद नहीं पता होता कि अगला पल हमारा कैसा होगा है तो सब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है हैं अपना भगवान के भरोसे छोड़ दो जैसे भगवान ने आपको लेके जाना है वो लेके जाएंगे हाँ अपनी नियति ठीक रखो अपनी जो आ, काम के प्रति जो ईमानदारी है जो भी कोई भी काम करो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ईमानदारी से करो तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी कामयाबी जरूर मिलेगी अच्छा आपके पीछे हर इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है पत्नी हो या माँ हो या पिता हो कोई भी हो आपके पीछे कौन है जो आज विक्की काजला इतने बड़े फिलहाल तो मेरे पीछे रखा हुआ है ये है भाई और कैरियर की अगर बात करी जाए तो भाई जो मेरे बड़े भाई हैं मिंटू काजला उनको आप जानते भी हो तो उन्हीं की वजह से मैं इस लाइन में हूँ और जैसा वो करते रह, कहते रहते हैं भाई यही करना ये करना है मैं वैसा करता रहता हूँ बस आपको वो चलाते हैं हाँ ऐसा करना है हाँ ये कह सकते हो भाई पुतली है जिसकी डोर है मिंटू का हाथ में जी जी देखिए कितना प्यारा सा मैसेज ये है देखिए भाई भाई आज दुश्मन बना हुआ है प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं लेकिन विक्की काजला एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं मिंटू जी एक, एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि छोटे भाई को कैसे आगे बढ़ाना है और मिंटू काज विक्की काजला जी जो है उसको बरकरार रखे अपने भाई का नाम रोशन किया अपने परिवार का नाम अपने गांव का अपने हरियाणा का नाम रोशन करके उनकी गरिमा को बनाए रखे हैं और भाई भाई का प्यार ये होता है एक ए, दूसरे को तो, आगे बढ़ाने में लगे हैं तो मिंटू जो काजला जी हैं वो आपको पूरा गाइड करते हैं आ, पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज से आर्थिक मदद चाहे जैसे भी लगा लो वो कैसे भी कर रहे हैं ये है कि आर्थिक की अगर बात करूँ तो जो मेरा स्कूल टाइम से था ना जो एक फैमिली होती थी जैसे भाई मम्मी है पापा है वो सिर्फ वो ही पैसे देते थे मुझे जितना एक मंथली जो खर्चा होता है ना भाई ट्यूशन की फीस है या स्कूल की फीस है या आने जाने का किराया है स्कूल तक का या कॉलेज तक का जी जो मिंटू का मेरे साथ जो एक था ना लाइक भाई भाई का ना कहे के, एक बाप बेटे का रिलेशन मान लो आप वो मुझे इतना सपोर्ट करता था शुरू से ही कि जब भी मैं जैसे कॉलेज में जाता था तो मैं जेब में हाथ मारता था और मुझे उसमें से पैसे निकलते थे जेब में और मुझे पता नहीं होता था ये पैसे किसने डाल दिए अच्छा फिर बाद में पता चलता अच्छा भाई ने डाल दिया चलो तो शुरू से ही है ऐसा। बड़ा अच्छा लगा आपकी हाँ। ये बात सुनकर और हमारे जो सब्सक्राइबर है जो ऑडियंस है उनको भी काफी पसंद आई होगी ये बात देखिए भाई भाई का प्यार ये होता है ये नहीं के आगे एक वो कहते हैं ना मुँह देख तीखा करना अच्छा ये नहीं होना चाहिए एक दिल से होना चाहिए हाँ। मन से होना चाहिए प्रेम और विक्की काजला जी कॉफी शायद आपको पसंद नहीं आई कॉफी मैं लूंगा एक बार वो करते हैं पहले इवेंट ये अपना शो है ना नहीं आप लेते रहिए साथ अच्छा लेता मेरा मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं है ना नहीं नहीं तो मेरा मुझे लगा कि आपको पसंद नहीं आई नहीं 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 का जी अच्छा पूरे इंडस्ट्री में अभी तक आपने बहुत काम किया हां फीमेल एक्टर के साथ में काम किया हाँ। कौन सी आपको एक्टर ऐसी लगी कि हां इसमें अदाकारी अच्छी है अच्छा काम करती है मेहनत अच्छी करती है देखो अदाकारी अब ये, ये तीन चीज़ें आपने ऐसी बता दी कि किसी एक का नाम कैसे लूँ मैं क्योंकि जितने के साथ मैंने काम किया ना सभी अच्छे सभी हैं अच्छे भी हैं सभी मेहनती भी हैं जी और ये सुनो टैलेंट तो सब में है ही है लेकिन और, एक होता ना एक, कि हाँ ये जचा कुछ नहीं नहीं जचने की बात नहीं होती मैं वही कह रहा हूँ हर बंदे का क्या होता है कि जो एक आ, क्या बताऊँ मैं कैसे समझाऊँ आपको कि इस लाइन में जितने बंदे आते हैं ना सभी मेहनती होते हैं टैलेंटेड होते हैं जी जो उनका पर्सनल जो बिहेवियर होता है ना वो सिर्फ थोड़ा डिफर डिफर करता है वो हर बंदे का अलग अलग रहता है रवैया जी किसी का किसी से बातचीत करके अच्छा लगता है किसी को किसी के साथ तो नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी एक को पॉइंट आउट करूँगा कि भाई नहीं ये बेस्ट है और ये नहीं है सभी बेस्ट है कमाल का काम कर रहे हैं और हरियाणा इंडस्ट्री में तो ये सोलो लोग एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है आप एक ढूंढने जाओगे आपको दस मिलेंगे अरे वाह ये भी टॉप क्लास है जी 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 चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विक्की जी और कोई खास मैसेज जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हो जनता तक मैं यही खास मैसेज पहुंचाना चाहूँगा जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं कि भाई पढ़ाई पे फोकस करो एजुकेशन होना बहुत जरूरी है और एजुकेशन अगर आपके पास है अगर आप एजुकेटेड हो तो आप किसी भी फील्ड में जाओ जरूरी नहीं आप एक्टिंग में जाओ मॉडलिंग में जाओ किसी भी फील्ड में जाओ आपके लिए एक हेल्प हो जाएगी आपका काम आसान हो जाएगा जी तो चलिए ये है विक्की काजला जी जो एक हरियाणा वुड के बहुत बड़े एक्टर हैं और बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं जिसको मौका नहीं मिलता उनको भी विक्की काजला जी अपने पिक्चरों में वेब सीरीज में जो है वो मौका भी नए एक्टरों को भी दिया है तो इससे समाज में काफ़ी सुधार है क्योंकि लोग आज का टाइम आज का दौर जो है वो नशे की ओर जा रहा है घर में हुक्का शुरू करके और वो फिर वो बार फिर वो नशे में तरह तरह के नशे आजकल चल रहे हैं लेकिन ये एक्टिंग का और मॉडलिंग का या सिंगिंग का ये एक ऐसा शौक़ है जिससे इंसान बचता भी है वो जो जो चल रहा है जो अपने शरीर शरीर को ख़राब करते हैं अपने घर की इज्जत ख़राब करते हैं अपने समाज की इज्जत खराब करते हैं लेकिन ये जो शौक़ है ये जो नशा है ये नशा काबिल तारीफ है और इस नशे से इंसान जो है वो इज्जत कमाता है पैसा कमाता है रुतबा कमाता है तो आपको कौन सा नशा करना है ये अब आपके ऊपर है धन्यवाद